अस्सलाम वालेकुम। आज मैं तासा एकड़ो वरी स्टोन प्रोजेक्ट शेयर कयां थी। आज मैं आपके साथ एक स्टोन प्रोजेक्ट शेयर कर रही हूँ। अभी तक मैंने बहुत सारे पत्थर पेंट किए हैं, सजाए हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। काफ़ी सारा पत्थरन की पेंटिंग मैं तासा शेयर कर चुकी है। अज एक डिफरेंट आइडिया है। ये दिसो, ये पत्थर के मथा आर लगल आ, पत्थर के ऊपर क्रोशियो से बना हुआ एक पीस लगा हुआ है। ठीक है, ये दिसो, ये देखिए आप। ठीक है, अड़ी तरह सा ही दिसी सको था। हालांकि हुंदो तो ये है तो पत्थरन जे लाए स्पेशली आर हण भी आ, आर उण भी आ है, खास करे पत्थरन जे साइज़ जे मुताबिक, पत्थरों के साइज़ के मुताबिक क्रोशिया बनाया जाता है। लेकिन मैंने ये पहले से मौजूद क्रोशे से बने हुए पीसेस को पत्थरों के ऊपर मैंने इस्तेमाल किया है। सबसे पहले तो ये पत्थर बार बार मैं आपको दिखा चुकी हूँ, इसको मैंने वाइट पेंट कर लिया है। इनके मां अच्छे रंग जो बेस पेंट किया, बैक साइड ये ही है खाली, पीछे से मैंने इसको पेंट नहीं किया, सिर्फ सामने से जितना हिस्सा ये कवर हो जाएगा वो सामने होगा। और पेंट मेरे पास ये होता है एक्रेलिक पेंट। ठीक है, ही एक्रेलिक पेंट्स मां यूज़ कर दिया है हमेशा स्टोन पेंटिंग लाए। ही मूं कुछ आर जा ठहल पीसेस, क्रोशे के बने हुए ये पीसेस हैं मेरे पास, इनको मैं यूज़ कर रही हूँ इन पत्थरों को सजाने के लिए, इनको डेकोरेट करने के लिए। अगर आपको क्रोशे आता है तो आप ख़ुद बना सकते हैं, अगर नहीं आता तो बनवा सकते हैं, और अगर नहीं तो कोई पुराने क्रोशे से बने हुए पीसेस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जेकर तक पान के आर इंदी तो तड़े टाइप जहाँ पीसेस ठाए सको था, पर जैसे तक आर नहीं दिया तो तड़ा ठारा भी सको था कंखा, ऐं जेकॾहिं न त कोई पुराणा घर में पयल हुजनि इस्तेमालु थियल पीसिस, उन्हनि खे बि तव्हां इस्तेमालु करे सघो था। हाणे हिन खे कवर करण लाइ हिकिड़ो असांखे पथर खपंदो, पथर जे साइज़ जे मुताबिक हिकिड़ो असांखे आर जो टुकड़ो खपंदो, जंहिंसां असांजो हीउ पथर जेको आहे सॼो ढकिजी वञे। ऐं उनखां अलावा असांखे खपंदो हिकिड़ो थुलो धाॻो। हीउ धाॻो ऑलरेडी ॾाढो थुलो आहे, इहे हिकु मोटा धाॻा है, लेकिन फिर भी मैंने इसको डबल कर लिया है। ये धागा पहले ही बहुत मोटा है, तो एक मोटा धागा जिसको आप डबल कर लें, और ऐसा बना हुआ क्रोशिया का कोई भी पीस। अब इसको सबसे पहले हम ये जो इसका बाहर का किनारा है, ये जो कोई जो बाहरों किनारा है, इनमें असा सुई से ही टाका हणी वेंदासीं। ये सुई जो मैं जो इसके सुराखों में से गुजार रही हूँ, धागों में से नहीं गुजार रही, ठीक है, सुई मां इन जे सुराखन मां थी गुजारिया, इन जे धागन मां न थी गुजारिया। ये ऑलरेडी जो इन में आर जहाँ टुंगड़ा हैं, सुराख हैं, उन सुराखन में गुजारियाँ थी। अच्छा, इसको इस तरह से रखना है कि ये एक तरफ से इसका सिरा बाहर रहे, ये रखना है इनके जो धागे जो एकड़ो सिरो है ना जो बाहर निकतल हुजे। ठीक है, उन खां पो ही असा इनके पूरो राउंड जो है हणी वेंदासीं, सजे मां गोल फेराए असा ये धागो गुजारे वेंदासीं। मोटी सुई है, मोटा डबल धागा है, तो इसमें से पूरे में से ये गुजार के हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और ही दिसो कंप्लीट करे वर्तवा, ये देख ले, यहाँ से हमने शुरू किया था, ये वो पहला सिरा छोड़ा है और ये दूसरा सिरा, यहाँ तक हम इसको ले आए हैं। अब हम इन दोनों सिरों को थोड़ा सा खींच लेंगे, इन बिन्ही सिरन के बिन्ही टुकड़न के असा थोड़ो छिकींदासीं। यो ख्याल कयो त सुप्तो पासो बाहर हुजे, जो सीधा साइड है वो बाहर की तरफ होना चाहिए। ये एक ऐसे पोटली सी बन जाएगी। ठीक है, ये हिकड़ी ये नंढी टोकरी ये ठही पौंदी, इन में ऐसा रखंदासी पत्थर, पत्थर को उल्टा करके रखेंगे ताकि वो इसका जो सफ़ेद हिस्सा है वो सीधी साइड की तरफ से नज़र आए। अब इन दोनों सिरों को खूब खींच लें, इन बिन्ही सिरन के बिन्ही जो छेड़ा हैं धागे जहाँ इन्हन के असंखे इलाही सारो छिकणो है, तो जी ही सजो असो हिन में चुण पइजी वञनि ऐं पत्थर असांजो हिन में कवर थी वञे। ठीकु आहे, हीउ ॾिसो चङी तरह हिन खे छिकियो आहे, और इसको खींचने के बाद ऐसे ये ख़्याल रखें कि जो सेंटर है वो पत्थर के सेंटर पे रहे, जो क्रोशे के पीस का सेंटर है वो पत्थर के सेंटर पे रहे। और पीछे से इसको और खींच के हम इसको घिरा लगा देंगे। और इसको डबल करने का मकसद भी यही था धागे को, कि अगर हम इसको जितना भी खींचें तो ये धागा टूटना नहीं चाहिए। अब इसको हम गिरा लगा देंगे दो या तीन बटे गंढियूँ ॾींदासीं इनके मजबूत छिके धागो, इन लाइ असां थुलो ऐं बिटो खयों आहे त जीअं इहो खुली न वञे। ठीकु आहे,
ठीक है तो इनके अस टे छिके गंढियों डींदी। अब इसको मैंने तीन गिरह लगा दिए, एक्स्ट्रा धागा जो वो हम काट लेते हैं। मुँह इनके टे गंढियों डी हुई तीस हाँ ये एक पत्थर मेरा डेकोरेट हो गया है और बाकी मैं आपको दिखा चुकी हूँ। पीछे से इसकी शक्ल ऐसे बनेगी, ये सब की शक्ल ऐसे है ठीक है। ये पोया सभी की शिकल इं छो तो जी अस इन छिके गंढ डी जो चुड़ थी वह हेठा हाँ इन पत्थरन जो इस्तेमाल है इनको हम क्या करें, बना तो लिया है हमने। इसका इस्तेमाल है कि ये जो है ये डेकोरेशन के लिए है, ये एक आर्ट पीस बन गया है। ये एक आर्ट पीस आ ही डेकोरेशन आ ये खूबसूरती आ इनके सजाइंदे कि अच्छा आप इसको कैसे सजाएंगे ये तो अब आपकी मर्जी है, इसको आप कैसे सजा सकते हैं। मैं आपसे एक आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं इनको कैसे सजा रही हूँ। अभी दिखाती हूँ मैं आपको, ये दिसो ये सिंपल एकड़ी नंढे साइज की ट्रे आ, ये छोटी सी एक ट्रे है जिसमें एक कप चाय का रख सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा दो गिलास ठीक है। इसको मैंने लिया है और इसके साथ मैंने ये आर्टिफिशियल प्लांट छोटा सा मेरा गमला है इसके कोने पे मैं ये रख रही हूँ, ये आपको मैं दिखा लेती हूँ। ये देख लें इस ट्रे में मैंने ये गमला रखा है, इसके सामने अब ये जो क्रोशे से कवर किए हुए जो पत्थर हैं वो मैं रख रही हूँ। आप देखेंगे कि ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अच्छा ये जो एक जैसे कलर्स हैं वो हम एक साथ नहीं रख रहे, इसको थोड़ा दूर दूर ठीक है, एक जड़ा रंग जिन असा गड न पाया रखूँ उनके असा थोड़ो अलग पाया रखूँ। हाँ ही दिसो ये प्लेट दिसो तो ही केडी खूबसूरत थी लगे, ये ट्रे केडी खूबसूरत थी लगे। इसको आप कहीं पे भी डेकोरेट करें, किसी भी जगह पे रखें, किसी साइड टेबल पे, किसी शेल्फ पे, तो ये कितना अच्छा लग रहा है, केडो सुहो पे लगे। कें भी साइड टेबल ते रखो, कें शेल्फ ते रखो, तो घर की ही सूह वधाईंदा, कोई कम ना है इनमें। तुम चाहो तो पुरानो जैसे तुम को वो आर जो ठल दस्तरखाना पुरानो आ छिजी पो आ किथा फाटी पो आ तो तुम उन टुकड़ा कर मथा इस्तेमाल कर सोता। अगर आपके पास कोई पुराना ऐसा दस्तरखान कोई ऐसा कवर बना हुआ है और अब वो फट चुका है कहीं से खुल चुका है आपके पास कोई और उसका यूज़ नहीं है तो उसके भी टुकड़े करके आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मुख्य उम्मीद आ तही मुझे अज जो आइडिया तक वणो हों और ये घर की डेकोरेशन में इजाफो थो जरूर ट्राई कजो बुधाजो तो तजुर्बो कर तो उनकी केतरी तारीफ थी या तुम कुंड केतरी सुनी पी लगे जैमें तक सजाया हुआ। सो मुख्य उम्मीद है तो जरूर तुम तजुर्बो कद। हमेशा मैं चुंदी आं तो बोली से प्यार कर, कम हमेशा प्यार से करें, टाइम जो सही इस्तेमाल कर, ये टाइम जो भी सही इस्तेमाल है मटीरियल जो भी सही इस्तेमाल। सो अल्लाह तक खुश रखे, वरी कें बी वीडियो से कें कम की शे से वरी मिलंदासीं। तेसि ताईं इजाज़त ॾियो, अलावा।